अभी हम आज़ाद देश के, आज़ाद राज्य के, आज़ाद जिले के, आज़ाद प्रखंड के, आज़ाद पंचायतों में हैं। और आपको अभी हम बता दें, विक्रमपुर पंचायत में हैं। और आपको विक्रमपुर पंचायत का कुछ ऐसा तस्वीर दिखाने वाले हैं, शायद जिसे देखकर आप थोड़े समय के लिए आश्चर्यचकित हो सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं, अब बाय चांस गिर जाए तो ना जाने यहाँ के पब्लिक पर क्या असर पड़ने वाला है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं यह कितने समय से है, ये तो आप देखकर ही अनुमान लगा सकते हैं। और यहाँ पर जो अभी तक कुछ सुधार नहीं किया जा रहा है, और क्यों नहीं किया जा रहा है, बिजली विभाग का गलती है या फिर ग्रामीणों का गलती है, तो जानते हैं यहाँ के पहले कुछ ग्रामीणों से। क्या नाम हुआ आपका? नीरज कुमार। विक्रमपुर पंचायत से? ये कितने समय से ये पोल टूटा हुआ है? 8 महीना से। यानी कि देखिए, इनका कहना है पूरे 8 महीना से टूटा हुआ है, लेकिन 8 महीना बहुत समय हो गया। ही नहीं, इससे जुर्माना भी लिया गया था, जो गाड़ी वाला इसमें धक्का मारा उनसे 4500 रुपया बिजली विभाग के लोग आकर के यहाँ लिए हैं। 4500 इस पर आकर के कार्रवाई नहीं कर आप लोग किन्हीं से जाकर शिकायत किए हैं? शिकायत किए डायरेक्ट जेई को फोन किए हैं खोदमनपुर ऑफिस में, तो वो बोले मेरा नहीं कम है, लिखित दीजिए। किनको लिखित दीजिए? जेई को। हाँ, जेई को। हाँ, तो वहाँ से बोले लिखित देने के लिए, लिखित हम लोग नहीं दे पाए। उसके बाद ही नीरज कुमार लगा करके पब्लिक ऐप पर वीडियो बनवाए, वो भी लड़का वीडियो चलाया, वो भी अथी का है, कोनो चीज का मतलब पत्रकार है। हाँ। वो भी आकर के वीडियो बना करके भेजा है, लेकिन तब पर भी इसका कोई कार्रवाई नहीं है। देखिए, पब्लिकों का क्या कहना है, यानी कि इतना ज़्यादा लापरवाही हो रहा है कि लापरवाही देख देख कर ग्रामीण थक गए हैं। अब आप ही लोग बताइए, इसका जुर्माना भी ले चुके हैं बिजली विभाग के जो भी व्यक्ति हैं, अगर आप इस तरह का लापरवाही करते हैं तो आप ही लोग बताइए आखिर इस तरह में जनता क्या कर पाएंगे। अगर बाय चांस हम आप ही लोग से सवाल करते हैं, अगर बाय चांस ये पोल यहाँ गिर जाए कि नहीं जनता पे, तो वह जनता को कितना ज़्यादा नुकसान होगा, और उस वक्त आप आकर क्या नुकसान भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं। तो अच्छा, ये बताइए, उनसे कह कर तो उनका क्या रिप्लाई आया? कहीं कोई रिप्लाई नहीं आया। वो लड़का लोकल मिस्त्री है यहीं मकसपुर का जी, उसका नाम रोम सलेबर है, वही आकर के इस क्षेत्र में काम करता है बिजली को। उसको बुला करके 2-3 दिन कहे जो हम लोग इकट्ठा करके चंदा भेज देंगे और 100-200, लेकिन इसको तार खोल करके बदल दो। बोला आ जाते हैं कल आते हैं, लमसम 15-20 दिन से खेल कर रहा है। मेन चार्ज मिस्त्री है इस विभाग का, खोलोमनपुर का, वो अपने नहीं आता है, उसको आता है किसी को, अगर यहाँ काम करता है कहता है पहले 500 लेंगे उसके बाद पोल पर चढ़ेंगे। आप लोग रुपया देते ही क्यों है? आप पहले सब क्या करे, नहीं करता है, यहाँ आकर के फेज उड़ा देता है, 3-3 दिन लाइन गायब रहता है गांव में। यानी कि उनसे आप यह नहीं सवाल करते, आपको सरकार के थ्रू रुपया नहीं मिलता? नहीं, बोलता है हमको नहीं देता है संतोष, हम लोकल हैं, संतोष खाली बोला है तो हम ठीक करते हैं, संतोष से डायरेक्ट सब डाउन लेता है, उसके बाद ही काम करता है। तो संतोष जी को क्यों नहीं कहते आप? संतोष जी को बुलाइए, फोन रिसीव करते हैं, फोन रिसीव करते हैं, जब करने लगते हैं लगातार 3-4 मोबाइल से फोन रिसीव करना छोड़ देते हैं। अच्छा, उनका हेड ऑफिस कहाँ पे है? खोदामनपुर है। खोदामनपुर में जाके एक बार आप लोग खोदामनपुर ऑफिस में जाकर क्यों नहीं एक बार बात करते? वही इकट्ठा हम लोग नहीं हो पा रहे हैं सब। आप लोग खुद ही एकता नहीं है आप लोग में? एकता नहीं है, इस कारण नहीं हो रहा है। 4500 रुपया जिस वक्त जुर्माना लिया उस समय भी हम करवा सकते थे जी, लेकिन यहाँ पर पोल गाड़ दिया, बोला कल आकर के करते हैं, कल के बदला आज 6-7 महीना हो गया, अभी तक नहीं। यानी कि अभी तक कल होबे नहीं किया, होबे नहीं किया है। तो देख सकते हैं ग्रामीणों का क्या कहना है, यानी कि थोड़ा बहुत ग्रामीणों में भी लापरवाही है, लेकिन ग्रामीणों करे तो क्या करे। तो जो भी हैं बिजली विभाग के, जो भी इनके अंदर काम करते हैं, कृपया करके इस तरह का लापरवाही ना करे। और ग्रामीणों को देख सकते हैं कितना तकलीफ होता होगा, और ना जाने कितना तकलीफ आगे भविष्य में हो सकता है। तो आपसे यही अनुरोध करते हैं कि आप आकर जितना जल्द हो सके वो जल्द से जल्द आप यहाँ पर जो काम इनका कहना है वो सारा काम, यहाँ पर जो भी कमी है वो कृपया करके काम यहाँ पर करवा दें। तो इसी के साथ बने रहे BBL न्यूज़ के साथ, धन्यवाद।